काउंसलर के इलेक्शन में आ रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को आप आगे लेकर आ रहे हैं? 20-25 साल से मुद्दे चले आ रहे हैं, और मेन जो हमारे यहाँ पे दिक्कत है सीवर, पानी, शिक्षा, 3-4 जो मेन मुद्दे हैं उसी को लेकर। उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, जिनमें से कुछ वायदे जो है वो भूल चुके हैं ऐसा लग रहा है, उन पे काम नहीं किया जा रहा है उनकी तरफ से। आते ही आम आदमी पार्टी ने बिजली का वादा किया, बिजली मुक्त देंगे, वो बिजली मुक्त हो गया है। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं अभी टंडारी खुर्द इलाके में, जहां पे हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी से हिस्सा लेंगे आगामी चुनाव में अमन चैन सर, उनसे बात करेंगे हम कि किन किन मुद्दों को लेकर वो आगे आ रहे हैं इस बार। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन किन मुद्दों को लेकर आप आगे आ रहे हैं इस बार चुनाव में? थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे ऑफिस में हैं। और सबसे पहले आज हम पंजाबी में बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरे पंजाब में पंजाबी दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मां बोली पंजाबी दिवस जो है मनाया जा रहा है पंजाब दे। असी मैं इस दिन दी सारे ही पंजाब वासियों ते पंजाबी नू प्यार करने वाले लोग पूरे देश विच वास्ते लोगों बहुत बहुत मुबारकबाद देना हाँ कि तुहानू बहुत बहुत बधाई कि तुसी पंजाबी मां बोली नू प्यार करदे हो। हाँ जी, अच्छा, तो इस बार आप काउंसलर के इलेक्शन में आ रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को आप आगे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टंडारी खुर्द में काफ़ी समस्याएं हैं आम लोगों से जुड़ी हुई, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आप आ रहे हैं सामने, किन किन मुद्दों को उठाएंगे इस बार? बेसिक मुद्दे हैं मैडम, ये जो मुद्दे हैं लगातार 20-25 साल से मुद्दे चले आ रहे हैं, और मेन जो हमारे यहाँ पे दिक्कत है सीवर, पानी, शिक्षा, दीक्षा, 3-4 जो मेन मुद्दे हैं उसी को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, और यही जो मुद्दे हैं ये चुनाव में भी रहेंगे जी। तो यही मुद्दे आप मतलब सीवरेज, पानी वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे? हमने सुना है सर कि आप इलेक्शन से पहले ही काफ़ी काम टंडारी खुर्द में करवा चुके हैं, तो आप हमें बता सकते हैं किस तरीके के वो काम थे? जी मैम, मैं शुरू से ही यहीं रहता हूँ, टंडारी में हमारा घर है और बचपन से ही यहीं रहते हैं, और हमको एक एक परेशानी का मालूम है कि इस गली गली में कौन से परेशानी है, एरिए में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, और हम लगातार जब से आम आदमी पार्टी आई है पंजाब में तभी से आम आदमी पार्टी का वर्क कर रहे हैं, और इससे पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ी, फाइट की यहाँ से 28 नंबर से, और अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, और शुरू से ही काम करते आ रहे हैं। तो अभी हमारी सरकार बने को लगभग 1 साल के आसपास होने वाला है, जब से सरकार बनी है तब से आप जाइए और मोहल्ले में भी पूछ सकते हैं कि जितना आम आदमी पार्टी ने काम कर दिया है वो काम 25 साल में नहीं हो पाया। काफ़ी तारीफ़ें हमने सुनी, आगे वार्ड की भी कवरेज की है हमने, वार्ड नंबर 28 की पूरी कवरेज की है। पहले के जो हालात थे, अब के जो हालात थे, वो काफ़ी सुधरे हुए नज़र आ रहे, तो क्या कुछ तब्दीलियाँ आपने अपनी तरफ से की हैं? बिल्कुल मैम, तब्दीलियाँ ऐसी हैं कि आपको दिख ही रहा है, और हमारा तो मेन मकसद एक है कि देखो वार्ड हमारा घर है, परिवार है, जैसे हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं ऐसे हम इसमें भी लगे हुए हैं, और जो ज़्यादातर पानी का समस्या जो है 70% समस्या जो पानी की ख़त्म हो चुकी है, और कूड़े की भी समस्या, पास में डैम बन गया है, और गाड़ियों का अरेंज करने की गाड़ियाँ लग जाएँ मोहल्लों में, एरियों में डस्टबिन वगैरह रखे जाएँ, ताकि इसको हम अच्छे से जैसे अपने घर की सफाई करते हैं ऐसे अपने वार्ड की सफाई कर पाएँ। जी हाँ, लोग जो है प्रवासी लोग इस मोहल्ले में काफ़ी रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ सोचा है आपने कि क्या उनके लिए करेंगे आप, उनके भी वोट्स हैं? जी मैम, प्रवासी हमारे भाई हैं, और पूर्वाचल के लोग जो यहाँ रहते हैं उनको बहुत सत्कार करते हैं, क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारे साथ में रहते हैं, और उनकी हर समस्या में हम खड़े हैं, और जो भी दिक्कतें आती है सुबह शाम, ये हमारा जो ऑफिस खुला है वार्ड नंबर 28 में, हमेशा लोग आते हैं, और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी हर समस्या का हल हम लोग मिलकर करते हैं। हमारे जो MLA साहब हैं सरकार, जो हरदीप सिंह मुंडिया जी, बहुत अच्छा सपोर्ट है उनका, और हमारे जो मान साहब हैं CM साहब भगवंत मान जी, उनकी भी बहुत अच्छी सपोर्ट है, वो लोग पंजाब को दोबारा रंगड़ा पंजाब जो उनका सपना है उसको साकार करने के लिए हमारी पूरी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, वर्कर तक के जो CM साहब, हमारे विधायक और हमारे जो मंत्री साहब हैं, और एक एक वर्कर लगा हुआ है कि जो मान साहब का जो सपना है पंजाब को रंगड़ा पंजाब बनाने का, हम लोग सब उसमें लगे हुए हैं जी। कुछ जनता की शिकायतें भी है आम आदमी पार्टी की सरकार से, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, जिनमें से कुछ वायदे जो है वो भूल चुके हैं ऐसा लग रहा है, उन पे काम नहीं किया जा रहा है उनकी तरफ से, तो मैं आपको वो वायदे याद दिलाना चाहूँगी कि सरकार आने से पहले वादे किए गए थे कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये पर मंथ आएगा, इस वादे पर क्या कुछ काम चल रहा है सर आम आदमी पार्टी की तरफ से?
मैम देखो, जब तक अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं पंजाब में, सभी तो वादे करती हैं मगर पूरे उसको कोई नहीं करता। लगभग ये जो वादे आम आदमी पार्टी की सरकार, लगभग साल होने वाला है, आते ही आम आदमी पार्टी ने बिजली का वादा किया, बिजली मुक्त देंगे, वो बिजली मुक्त हो गया है। लगभग 80% जो पंजाब के लोग हैं, चाहे वो किसी भी भाईचारे से हैं, उनका सबका बिजली का बिल जो है वो जीरो आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा वादा था मोहल्ला क्लिनिक, आप देख रहे हैं कि जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। अब थोड़े ही दिनों में हमारे वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहा है, तो उनका जैसे साउथ में बन गया है, साने वाले में जो मोहल्ला क्लिनिक था विधानसभा का, वो जमालपुर में बन गया है, और ऐसे ही जो वार्ड का मोहल्ला क्लिनिक है, ये कुछ ही दिनों में यहाँ पर बनने वाला है। और वहाँ पर लगभग सभी दवाइयाँ फ्री है, और 100-150 टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार का भी एक साल भी नहीं हुआ, तो उन्होंने आते ही इतने वादे पूरे कर दिए। और ये जो वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, और जो कहते हैं वो करते हैं, और आप दिल्ली में देखो जो भी उन्होंने कहा वो किया, और ऐसे वादे भी पूरे कर दिए हैं जो आम आदमी पार्टी ने नहीं कहे। और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम आते ही हर साल 25,000 नौकरी देंगे, इस बार आम आदमी पार्टी ने अभी साल भी नहीं हुआ, 11 महीने के आसपास होने वाला है, तो 26,000 कुछ लोगों को नौकरी दे दी। चलिए, मतलब आपसे हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, अंत में एक संदेश चाहेंगे जो आप जनता को देना चाहें आगामी चुनाव के लिए। जी, बस जी, जनता को तो यही संदेश है जी कि जैसे हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे, क्योंकि अरविंद जी आपके लीडर नहीं है, वो भाई की तरह बाप की तरह हमारे लोगों के काम करते हैं। क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि जो ये इंडिया है, भारत है, इसको सोने की चिड़ी बना देना जैसे पहले था। और मान साहब का जो सीएम साहब का सपना है पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का, वो इसमें हम लोग सब काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कुछ ही समय बाद आपको लगेगा कि हाँ, पंजाब में कुछ हो रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे अमन चैन सर, जिनकी बात आपने सुनी, किन किन वायदों पे काम किया जा रहा है, क्या क्या मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतरेंगे। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।